Hey guys, I'm Purnath and once again, welcome back to my channel. So, आज का वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा स्पेशल, especially for the artists जो ऑयल कलर से वर्क करते हैं एंड पेंटिंग्स बनाते हैं. बिकॉज आज मैं अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूँ आर्टिस्ट ग्रेड ऑयल कलर्स जो कि इंडिया के मोस्ट फेमस ऑयल कलर हैं एंड आई थिंक सबसे अफोर्डेबल ऑयल कलर्स भी हैं. एंड मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये कोई पेड रिव्यू नहीं होने वाला है, ये एकदम ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है. मैं इन्हें ट्राई करूंगा, इनसे मैं एक लाइव डेमो पोर्ट्रेट बनाऊंगा एंड देन यू कैन डिसाइड कि ये कलर कैसे हैं. सो मैंने भी आज तक ये आर्टिस्ट ऑयल कलर्स कभी यूज नहीं किए हैं, तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम रहने वाला है. तो आपको सबसे पहले मैं उन कलर्स के बारे में बताता हूँ जिनका मैं आज अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ. तो मैं आज अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूँ कैमल ब्रांड के आर्टिस्ट ऑयल कलर्स का. तो कैमल ब्रांड में दो तरह के ऑयल कलर्स आते हैं, एक तो होता है स्टूडेंट ग्रेड जिनका मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ एंड वो मुझे उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे बिकॉज उनका ड्राइंग टाइम काफी ज्यादा टाइम होता है एंड वो अच्छे से मिक्स भी नहीं होते, मतलब उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई. सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक बार मैं आर्टिस्ट ग्रेड ऑयल कलर्स का भी ट्राई करूंगा. तो सबसे पहले तो हम इन न्यू आर्टिस्ट ग्रेड ऑयल कलर्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड इसके प्राइसेस एंड फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, देन इसका एक लाइव डेमो पोर्ट्रेट बनाएंगे. सो लेट्स डू इट गाइस. So today I'm going to review these camel artist oil color जिसके अंदर 12 assorted shades हैं. एंड अगर इसके प्राइस की बात करें सो इन कलर का प्राइस है 775 रुपीज. तो आज हम आर्टिस्ट ग्रेड ऑयल कलर को अनबॉक्स एंड इनका रिव्यू करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं. So let's open it and see the colors. तो इसमें ये कलर्स हैं, वाइट, ब्लैक, बर्न सियना एंड ये ब्राउन, येलो के तीन सेट्स, रेड, ब्लू के दो सेट्स, दो ग्रीन के सेट्स. तो इतने इसमें कलर्स अवेलेबल हैं. सो सारे बेसिक कलर्स इसमें अवेलेबल हैं. अगर हम कलर की बात करें तो एक जो कलर है वो 20 ml का है. सो कलर अनबॉक्स हो चुके हैं, इनके फीचर्स पता चल चुके हैं, तो अब वक्त है इन कलर्स से एक लाइव पेंटिंग बनाने का. तो इन कलर्स का यूज करके मैं अपनी पहली पेंटिंग बनाने वाला हूँ एंड इस चीज की ये मेरी पहली ऑयल पेंटिंग भी होने वाली है क्योंकि ऑयल पेंटिंग मैं काफी रेयरली करता हूँ एंड मैं उतना ज्यादा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ. तो देखते हैं कि पेंटिंग कैसी बनेगी. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इन न्यू कलर्स का यूज करके एक फेस में पेंटिंग करने वाला हूँ एंड उन्हें ट्राई करके देखते हैं कि पेंटिंग कितनी रियलिस्टिक बनती है, कितने अच्छे कलर आपस में मिक्स होते हैं एंड कितना अच्छा रियलिस्टिक स्किन टोन बन पाता है. सो Let's try it, guys. And मैं काफी ज्यादा नर्वस भी हूँ क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर्स या 4-5 ईयर्स से मैंने ऑयल पेंटिंग काफी कम की है. तो चैनल स्टार्ट करने के बाद से मैं मोस्टली पेंसिल आर्ट वर्क ही करता हूँ. उससे पहले मैं काफी ज्यादा ऑयल पेंटिंग करता था बट वो भी ज्यादातर लैंडस्केप पेंटिंग ही होती थी. तो पोर्ट्रेट पेंटिंग आज मैं काफी साल बाद इसे ट्राई करने वाला हूँ. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड मैंने डिसाइड किया है कि ये मैं ऑलमोस्ट रियल टाइम में रखने वाला हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि ये कलर आपस में कैसे मिक्स करने हैं, आपने कैसे स्टेप्स से इनसे ड्रॉ करना है. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस. आज इन्हीं का यूज करके मैं एक डेमो पोर्ट्रेट बनाने वाला हूँ एक कैनवास पे एंड एज अ मीडियम आई एम गोइंग टू यूज दिस प्यूरिफाइड लिनसीड ऑयल. सो लेट्स ट्राई इट. कैनवास के पीस पे मैंने एक छोटा सा फेस ड्रॉ किया है जिसपे मैं इन कलर को ट्राई करने वाला हूँ अभी एंड देखते हैं कि इनका यूज करके रियलिस्टिक पेंटिंग्स बन सकते हैं या नहीं. तो इट मोर डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू ड्रॉ. तो देखते हैं. नाउ मैं यूज कर रहा हूँ सबसे पहले बर्न सियना का एंड फेस में मैं और यूज करूँगा दिस रेड, ऑफकोर्स वाइट एंड ब्लैक. आई एम गोइंग टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ दिस येलो, क्रोम येलो. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज दीज कलर्स. यूज स्मॉल नंबर 2 साइज ब्रश एंड अ बिगर साइज नंबर 4 फ्लैट ब्रश. तो इतने ब्रश आई एम गोइंग टू यूज आई थिंक. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस बर्न सियना. सो आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट आउट. And at last, some yellow. So this is going to be my color palette. So I'm starting with this burnt sienna. So I'm going to draw the outline and the shadows, or basically the darker parts.
I think I should first apply a thin layer of color, like really thin. Just blocking the area. तो शेड्स मैंने ब्लॉक कर दिए हैं, कहाँ पे हाईलाइट चाहिए, कहाँ पे डार्कर शेड्स चाहिए. नाउ आई जस्ट नीड टू ड्रॉ इट. गोइंग गुड बाय फार. नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस स्मॉल साइज ब्रश एंड स्टार्ट एडिंग आउटलाइन. तो एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि वो आपको ब्लैक शुरू में यूज़ नहीं करना है, ब्लैक आपको सबसे लास्ट में यूज करना है एज ऑयल कलर. डोंट ड्राई इजली, तो इसलिए ब्लैक कलर अवॉइड करें शुरुआत में. ब्लैक की जगह पे जहाँ पे आपके शेड्स हैं वहाँ बर्न सियाना यूज कर सकते हैं, यानी कि ब्राउन यूज कर सकते हैं. सेकेंड लेयर के लिए मैं काफ़ी लाइट कलर यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए कलर मिक्स करते हैं. आई एम गोना यूज दिस एंड हल्का सा पिंच ऑफ रेड. ओके लेट्स सी, स्टिल डार्क. आई एम गोना यूज मोर वाइट. So always we should start with the darkest area, then proceed to lighter area. तो मैं darker areas को cover कर लेता हूँ, like यहाँ पे.
फाइनली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने अपने कैमिल आर्टिस्ट ऑयल कलर यूज कर लिए एंड आई एम रियली शॉक्ड विद द रिजल्ट बिकॉज जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि आई एम नॉट रियली एक्सपर्ट विद ऑयल कलर्स, तो ऑयल पेंटिंग मैं काफी कम करता हूँ. एंड ऑल्सो लास्ट 2-3 ईयर्स में ये मेरा पहला ऑयल पेंटिंग होगा एक पोर्ट्रेट का, एंड इसका रिजल्ट काफी शॉकिंग था. मुझे काफी बेटर लगा इसका जो रिजल्ट था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना अच्छा रिजल्ट रहेगा इन ऑयल कलर का. तो स्टूडेंट ग्रेड के ऑयल कलर उनके लिए बेटर है जो भी लर्निंग फेज में है, जो ट्राई करना चाहते हैं. एंड अगर आप कुछ अच्छी पेंटिंग्स बनाना चाहते हैं तो दीज कैमल आर्टिस्ट ऑयल कलर्स आर रियली गुड फॉर दैट. सो अगर आप भी कोई अपनी ऑयल पेंटिंग्स के लिए बजट फ्रेंडली ऑयल कलर्स चूज कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये आर्टिस्ट ग्रेड ऑयल कलर्स सबसे बेस्ट रहेंगे कैमल के. स्टूडेंट ग्रेड में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज स्टूडेंट ग्रेड के ऑयल कलर मुझे उतना ज्यादा बेटर नहीं लगते, बट आर्टिस्ट ग्रेड ऑयल कलर्स आर रियली ग्रेट. एंड मैं फ्यूचर में ट्राई करूंगा कि इन आर्टिस्ट ग्रेड ऑयल कलर का यूज करके एक फुल रियलिस्टिक पोर्ट्रेट पेंटिंग एंड कुछ लैंडस्केप पेंटिंग्स भी बनाऊं, बिकॉज इससे मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाऊंगा ऑयल पेंटिंग्स स्पेशली. सो जल्दी मैं पेंटिंग्स लेके आने वाला हूँ. सो बी श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं जैसे न्यू पेंटिंग्स लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल एंड ये रिव्यू पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.